हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यल किचन। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से आप अपने हाथों और पैरों को मैनिक्योर और पेडिक्योर कैसे कर सकते हो वो बताऊंगी। तो प्लीज़ अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोज़ होंगी ना उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी। तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल, बहुत ही अच्छी रेमेडी होने वाली है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने ले रखा है इस तरीके से, कोई भी आप प्लेट ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो, इस तरीके का बाउल ले सकते हो। तो मैंने इस तरीके का बाउल ले लिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले शैम्पू। तो शैम्पू क्लिंजर का काम करता है और बहुत ही आसान तरीके से आपका जितना भी गंदगी और मैल होता है ना, वो बॉडी से बहुत ही ईजी तरीके से डिटेन कर देता है और निकाल देता है। तो इस तरीके से अब इसको पूरे शैम्पू को हम इसमें बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने जो ₹1 का शैम्पू होता है ना, वो मैंने इस तरीके से बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। आप देख सकते हो मैंने इस टाइम क्लीनिंग प्लस लिया, बट आप अपनी कोई भी जो भी आप लगाते हो ना, अप्लाई करते हो अपने जो अपने बालों पे अप्लाई करते हो ना, वही वाला आप शैम्पू ले सकते हो जो आपके पास हो नॉर्मली। ये ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया वही आपको लेना है। तो अब इसमें डालेंगे हम नींबू। नींबू भी आपका मैल काटने में मदद करता है, साथ साथ में आपकी स्किन को बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से जितनी भी गंदगी होती है ना, उसको रिमूव करता है। तो इसमें नींबू ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम कस्तूरी हल्दी। तो मैंने कस्तूरी हल्दी ले रखी है। कस्तूरी हल्दी नॉर्मली ब्राइड्स भी शादी से पहले यूज़ करती हैं। ये बहुत ही अच्छा ग्लो देता है और बहुत ही स्किन को ताजगी देता है और बहुत ही ब्राइट भी करता है स्किन को। तो इस तरीके से अब इसमें डालेंगे हल्दी। तो हल्दी लगाने के टाइम तो थोड़ी देर बाद अगर आप इसको वॉश करोगे तो हाथ थोड़ा येलोइश दिखेगा, बट उसके थोड़ी देर बाद आप देखिएगा बहुत ही 1-2 घंटे बाद ही बहुत ही अच्छा ग्लो देता है हल्दी। तो इस तरीके से मैंने कस्तूरी हल्दी ले रखी थी। अगर आप नॉर्मल हल्दी भी लो ना, तो इसकी क्वांटिटी आपको हाफ़ कर देनी है, केवल इतना ही फ़र्क करना है आपको। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स, शैम्पू, लेमन और अच्छे तरीके से हल्दी को मिक्स कर लेना है। ये रेमेडी बहुत ही आसान तरीके से कोई भी यूज़ कर सकता है और मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए बहुत ही अच्छी और बहुत ही ईजी रेमेडी होने वाली है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको एक बार। तो मैंने अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स, आप ये देख सकते हैं। तो मिक्स हो चुका है। तो ये मैंने टमाटर लिया है। तो टमाटर को इस तरीके से आपको एक होल कर देना है टमाटर में, और फिर इसका जितना भी रस है ना, जितना भी एक्सट्रैक्ट है, उसको निकाल लेना है। तो टमाटर भी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से फेयर करने में मदद करता है, साथ साथ में स्किन को ग्लोइंग करता है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से ना इसमें मैंने डाल दिया टमाटर का रस भी। तो अब इसमें डालेंगे हम गेहूं का आटा। तो मैंने गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करेगा, आपकी स्किन में से जितनी भी डार्कनेस है ना, उसको हटाएगा और बहुत ही इजी और बहुत ही इजीली वे में आपकी जो स्किन है ना, उसको फेयर भी करने का काम करेगा। तो इसमें डाल देंगे अब हम इस तरीके से गेहूं का आटा डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसको। तो मैंने अच्छी तरीके से, आप देख सकते हो, मिक्स इस तरीके से कर लिया। और इसमें लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो मैंने इस तरीके से, आप देख सकते हो, पानी डाल रखा है। आप चाहो तो इसमें रोज़ वाटर डाल सकते हो, या नॉर्मली आप इसमें दूध भी डाल सकते हो, कच्चा दूध भी। और इसको मैं केवल हाथ और पैरों पे यूज़ करूँगी। नॉर्मली आपको, अगर आप शैम्पू यूज़ करना चाहते हो चेहरे पर, तब आप कर सकते हो, बट नॉर्मली अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है ना, तो आप स्किप करना चाहिए आपको। तो इसको केवल मैं हाथ और पैरों के लिए क्लिंजर के लिए यूज़ करूँगी, क्लिंजर के रूप में यूज़ करूँगी, जिससे बहुत ईजी तरीके से आपकी जितनी भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म हो सके, एक्ने की प्रॉब्लम ख़त्म हो सके, और बहुत ईजी तरीके से आपकी स्किन ग्लोइंग और चमक सके। तो अच्छे तरीके से पूरे हाथ में अप्लाई कर लेना इस तरीके से, और अप्लाई करने के बाद अच्छे तरीके से मसाज करनी है। और हल्दी आपने लगाई तो थोड़ा कलर तो रहेगा ही हल्दी का, बट वो 1-1.5 घंटे के बाद अच्छी तरीके से बिल्कुल हट जाएगा। और आप नॉर्मली धुलोगे ना दूसरी बार, तो बहुत ईजी तरीके से आपकी स्किन में ग्लो आएगा। तो मैं अच्छी तरीके से लगा लेती हूँ उस तरीके से। मसाज आपको सर्कुलर मोशन में करनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो अच्छी तरीके से आप इसको हाथों पे भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली पैरों पे भी यूज़ कर सकते हो। मैनिक्योर और पेडिक्योर का काम ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा करता है। तो मैंने ना अच्छी तरीके से हाथों में अप्लाई कर लिया, आप ये देख सकते हो। तो आपको इस तरीके से हाथों में अप्लाई कर लेना है, और फिर अच्छी तरीके से हाथों को ना 10-12 मिनट के लिए रखना है इस तरीके से, और फिर हाथों को वॉश कर लेना है। तो मैंने हाथों को ना वॉश कर लिया, अभी देख सकते हो हाथ कितने अच्छे तरीके से ब्राइट लग रहे हैं और कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको हाथों में ग्लो चाहिए, ये मैं आपको ये नहीं,
गोरे हो जाओगे पहले अटेम्प्ट में लगाने के बाद, बट अगर आपने इसको रेगुलर यूज़ किया तो आपकी स्किन फेयर होगी। पहले अटेम्प्ट में आपकी स्किन है बहुत ही अच्छे तरीके से, जितनी भी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करेगा। अगर आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा गंदगी मैल जम रहा है तो उसको हटाएगा और आपकी स्किन को वाइट और ब्राइट करेगा। ब्राइट का मतलब ये होता है जैसे भी आपका स्किन टोन है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निखार के लेके आएगा। तो अगर आपको फेयर भी होना है ना तो आपको इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे हो तो अपने फ्रेंड और रिलेटिव के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।